मेरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बनाएंगे अक्टूबर मंथ के लिए बुलेट जर्नल स्प्रेड। और बहुत दिन के बाद मेरी जो वीडियो आई है उसमें मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। आगे वाली वीडियोस में मैंने वॉइस ओवर नहीं दिया था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि मैं वॉइस ओवर दूँ वीडियोस को या फिर सिर्फ म्यूट रहने दूँ सिर्फ सॉन्ग्स और सबटाइटल्स के साथ। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेंसिल की मदद से ब्लॉक्स को काउंट करके ग्रिड का मेजरमेंट्स डिसाइड कर लेते हैं। फिर ब्लू स्केच पेन की मदद से डेज ऑफ वीक लिखेंगे, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। मैं हमेशा मंडे से शुरू करती हूँ ताकि हम एक वीक के लिए पैटर्न बना सकें। आप संडे से भी शुरू कर सकते हैं। फिर स्केल की मदद से ग्रिड को हम कंप्लीट करेंगे। ये अक्टूबर का मंथ है, सो 31 डेज होंगे इसमें। ये हो गई हमारी ग्रिड कंप्लीट। फिर अक्टूबर को लिखेंगे, अरे गलती हो टी बोल गए, अक्टूबर को लिखेंगे अक्टूबर 2020। और फिर एक ब्लैक पेन की मदद से इसको 3D हाईलाइट देंगे। इसके लिए आप मेरे दूसरे हैंड लेटरिंग के वीडियोस देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइप्स सिखाए हैं, जिस तरह से आप फॉन्ट्स अलग अलग तरह के फॉन्ट सीख सकते हैं। फिर हम क्रिस्टल्स बनाएंगे। तो ये पूरी बुलेट जर्नल की थीम मैंने डिसाइड की है कि ये मंथ के लिए मैं क्रिस्टल थीम यूज़ करूँगी। तो डायमंड्स और क्रिस्टल्स बनाएंगे। और मैं आपको और अच्छे से सीखने के लिए एक और वीडियो बनाऊँगी कैसे आप ये क्रिस्टल्स ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि शायद आपको ठीक से दिखे समझ आए कि नहीं कि मैंने किस तरह से बनाए हैं। तो प्लीज़ दूसरे वीडियो के लिए आप वेट कर लीजिए, मैं डाल दूँगी उसे। अभी हम डेज को नंबर देंगे। तो मैं यहाँ पे बड़े बड़े पेंसिल से नंबर्स लिख रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बहुत छोटे नंबर्स लिखे थे जो बहुत बीच में इश्यू करते हैं जब आप अंदर फिल करने जाते हैं। सो इस बार मैं बड़े नंबर्स ट्राई कर रही हूँ। और ये पेंसिल से लिखे हैं तो ये इश्यू भी नहीं करेंगे जब आप इजीली उन पे पेन की मदद से लिख सकते हैं और आपको ये नंबर्स दिखते भी रहेंगे। फिर हम इन क्रिस्टल्स को कलर कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 3 शेड्स यूज़ कर रही हूँ, एक जो है लाइट ब्लू है, दूसरा थोड़ा सा डार्क है और तीसरा ब्लूइश पर्पल टाइप है। तो इससे उसको एक शेड मिलता है 3 कलर वाला और आपकी क्रिस्टल्स इससे एकदम रियल लगते हैं। ये भी एक एस्थेटिक बुलेट जर्नल है, क्योंकि मैं इसमें बहुत ऐसे कलर्स और ड्राइंग्स और ये सब इंक्लूड कर रही हूँ। डोंट वरी, बट नेक्स्ट बुलेट जर्नल जो होगा वो मिनिमलिस्टिक होगा, ताकि जिन लोग को ज़्यादा ऐसा ड्रॉ करना पसंद नहीं है या सिंपल चीज़ें पसंद करते हैं उनके लिए भी इजी हो। तो प्लीज़ मेरे बुलेट जर्नल जो मिनिमलिस्टिक वर्जन है उसके लिए वेट कर लीजिए। नीचे वाले क्रिस्टल्स को भी हम कलर कर लेते हैं। अभी हम हमारा वीकली स्प्रेड स्टार्ट करेंगे। ये भी क्रिस्टल थीम पर होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं क्रिस्टल्स बना रही हूँ और शायद ये क्लियरली आपको दिख रहा है कैसे बन रहे हैं। तो बंच ऑफ क्रिस्टल्स इस तरह से। फिर यहाँ थोड़े इस साइड पे भी हम बनाएंगे ताकि क्रिस्टल्स ऐसे बिखरे हुए लगे। फिर कुछ नीचे यहाँ पर और दूसरा एक छोटा सा यहाँ पे और कुछ यहाँ पर भी और थोड़ा हम नीचे भी एक बंच बना लेते हैं।
बस रैंडम क्रिस्टल्स इस तरह से। अभी हम क्रिस्टल को कलर कर रहे हैं वही सेम तीन शेड्स यूज करके, लाइट ब्लू, थोड़ा डार्क ब्लू और एक ब्लूइश पर्पल, ताकि इसमें भी क्रिस्टल रियलिस्टिक लगे। नीचे वाले को भी हम कलर कर देते हैं। हमारे लास्ट क्रिस्टल को भी हम कलर कर लेते हैं और ये हो गए। अभी हम डेज लिखेंगे, तो मैं इसको कर्सिव में लिख रही हूँ, फिर ब्लैक स्केच पेन की मदद से उसको ट्रेस करूँगी सिर्फ डाउनवर्ड स्ट्रोक्स को। इसके लिए भी आप मेरी हैंड लेटरिंग वाली वीडियो रेफर करें, आप उसको कहीं पे भी प्लेलिस्ट में जाके या फिर मेरी चैनल पेज पे जाके फाइंड कर सकते हैं। वेनसडे को भी लिखें, फिर थर्सडे को, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ये हमारा एक वीक के लिए वीकली स्प्रेड हो गया रेडी। नेक्स्ट स्प्रेड है जो इसको बोलते हैं हैबिट ट्रैकर। इसके लिए भी पहले हम मेजरमेंट्स कर लेते हैं स्केल की मदद से कि हमें कितनी स्पेस चाहिए रहेगी 31 डेज के लिए, और फिर हम हमारी क्रिस्टल थीम इस हैबिट ट्रैकर के लिए भी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये मंथली हैबिट ट्रैकर है अक्टूबर मंथ के लिए, सो इसमें 31 डेज की ट्रैकिंग होगी। अब हैबिट ट्रैकर को हेडिंग देने के लिए मैं इसको कैलीग्राफी में लिखूंगी। प्लीज़ मेरी दूसरी हैंड लेटरिंग की वीडियोस रेफर कर ले, जहाँ मैंने एक्सप्लेन किया हैंड लेटरिंग के बारे में। और आप वर्टिकल में हैबिट्स लिखेंगे और हॉरिजॉन्टल में डेज, ताकि आप पूरे पेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ। 31 डेज ईजिली हॉरिजॉन्टल में फिट हो जाते हैं बट वर्टिकल में नहीं हो पाते। अब एक ब्लू स्केच पेन की मदद से 1 to 31 डेज हॉरिजॉन्टली लिखें, और एक ब्लैक पेन की मदद से उसके नीचे डेज ऑफ वीक लिखें, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, 31 डेज के लिए। और इन वीक्स को सेपरेट करने के लिए बीच में एक वर्टिकल लाइंस खींच ले एवरी वीक के पहले, मतलब मंडे से पहले, और लेफ्ट साइड पे सारी हैबिट्स को लिख लें। नेक्स्ट जो हमारा स्प्रेड है वो है स्टडी ट्रैकर, और इसके लिए मैं स्टडी ट्रैकर को कैलीग्राफी से लिखूंगी। ये स्प्रेड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो उसको ट्राई करना ज़रूर। और इस स्प्रेड के लिए भी हम क्रिस्टल वाली थीम कंटिन्यू रखेंगे। अब एक स्केल को यूज़ करके हम मेजरमेंट ले लेते हैं कि हमें इस ट्रैकर को बनाने के लिए कितनी जगह चाहिए होगी। तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल में होंगे आवर्स ऑफ स्टडी, जितना आप पढ़ रहे हैं, और वर्टिकली में हम डेज लिखेंगे, तो 1 to 31 वर्टिकली हम उसको लिस्ट करेंगे। पढ़ने के बाद हमारे स्प्रेड कुछ ऐसे दिखेंगे। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।